मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला एवं युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया। आपको बता दें कि प्रदेश में 67,000 से अधिक महिला व युवक मंगल दल कार्यरत हैं, जिन्हें यह स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल सहित अन्य खेल सामग्री शामिल है, जिसके तहत जनपद गोरखपुर में कुल 544 युवक युवतियों को खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरण किया गया, जिसमें 262 महिला एवं 282 युवक मंगल दल के सदस्य शामिल हैं। इन लोगों को वॉलीबॉल, फुटबॉल सहित अन्य खेल सामग्री वितरित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के विकास खंड पिपराइच के युवक मंगल दल के अध्यक्ष निखिल कुमार पांडे से बात किया तथा युवक मंगल दल के क्रियाकलापों की जानकारी ली तथा अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि खेल से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और खेल में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होती है। उन्होंने कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए युवाओं को नशे की तरफ जाने से रोका जा सकता है। खेल से युवाओं में एक नई ऊर्जा जागृत होती है। इस अवसर पर जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, विधायक संत प्रसाद, शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित युवक मंगल दल के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवक मंगल दल के निखिल कुमार पांडे व मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा। परसों गए थे सर, परसों इवनिंग निकले थे सर। हाँ दिन है सर, वो संचालित नहीं थे उसकी भी चुप्पा का थोड़ा तिरछा लगता है। अच्छा अब तिरछा है लेकिन चाहे तो सीधा हो जाएगा। मुझे ये बताते हुए कि हर्ष हो रहा है कि विभाग के लिए यह एक अविस्मरणीय पल है, क्षण है। यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के कार्यक्रमों में जैसे स्वच्छता हम सब का विभाग दृढ़ और पूजा के स्रोत जिनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर आज उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश बन चुका है। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का प्रदेश के उपाध्यक्ष राज्य युवा कल्याण परिषद से डॉक्टर विकास कौशल जी का आपका नया पास से है। यस सर। सर युवक मंगल दल के माध्यम से जो खेल का सामान हमें मिल रहा है सर, उसमें युवाओं को एकत्रित करके सर उसमें बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना और सर उससे दो तरह का में विकास होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकास होगा, बच्चों में एकजुट की भावना जागृत होगी। खेल का मैदान है गांव में? जी सर। ओपन जिम बना कि नहीं बना? बना हुआ है सर, मैदान है खेलने का। अच्छा तो क्या आज आपको जो ये किट मिला है, स्पोर्ट्स का ही किट मिला है, वहाँ पे हमारे जो विधायक है उपलब्ध कराएंगे तो इस किट को लेकर के आप गांव में जाएंगे तो बच्चों को सबको खेलने का अवसर मिलेगा ना इसमें? जी सर, जो युवक मंगल दल कार्य करता है उसमें ये होता है कि पहले तो अधिक से अधिक युवाओं को इसमें जोड़ा जाता है, तो हमारे युवक मंगल दल में पहले से भी बच्चे उसमें हैं और भी बच्चों को हम एकजुट करके उसमें खेलने का अवसर प्रदान कराएंगे। कितने युवा जुड़े हैं आपके साथ में? अभी सर मेरे युवक मंगल दल में सर 20 युवा हैं जुड़े हुए। 20 युवा हैं आपके आपके जो है नया पान में? जी सर। जी सर, और भी अभी जोड़ेंगे हम उसमें। सभी को जोड़ने की व्यवस्था करवाइए, अच्छे कार्यक्रमों के साथ उनको जोड़िए। देखिए युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना और नशा से दूर करना, नशा एक विकृति है जी, और ये एक नकारात्मक सोच का प्रतीक है जी। अब इन्हीं युवाओं को आप खेल कूद के माध्यम से रचनात्मकता की तरफ से लेके चले जाएंगे। खेल कूद का मतलब यह है कि दिन भर खेलना कूदना नहीं है जी। तो खेलने का समय एक समय होगा, छुट्टी के दिन दोपहर में हो सकता है, शाम के समय हो सकता है,
सामान्य दिनों में कोई एक एक घंटा दो घंटे का खेलकूद का कार्यक्रम होगा, शेष समय गांव के अंदर वह युवक मंगल तक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़े, जैसे साप्ताहिक स्वच्छता अभियान में श्रमदान करना, जैसे गांव के अंदर किसी कुरूति के खिलाफ लोगों को जो है जो उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, जैसे कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि भाई बाहर से आने वाले लोगों को पहले क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे, फिर वहां से उनको तब बाद में जब 21 दिन का उनका क्वारंटीन का पीरियड पूरा हो जाएगा तभी उनको गांव में आने देंगे। प्रशासन के साथ संवाद बनाना, गांव के अंदर शांति सुव्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की अव्यवस्था अराजकता का माहौल न बने, इसके लिए स्थानीय थाना प्रशासन के साथ एक बेहतर संवाद बनाना, ये चीजें अगर आप लोग कर पाएंगे तो युवक मंगल दल के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा। ठीक है जी, चलिए निखिल जी आपको बहुत बहुत बधाई, और आप लोग जो है सभी अपने जितने भी आपके युवा साथी हैं, मुझे लगता है कि नयापर में ऐसा तो नहीं कि एक हिप्पन वर्मा जी गोरखपुर की डीएम थी तो इन्होंने आपको जबरदस्ती पहले से जान पहचान तो आपका नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पहले पहचान नहीं थी कैसे? नहीं सर, युवक मंगल दल के माध्यम से जी सर। बहुत सुंदर बताइए मंगल दलों के प्रोत्साहन स्वरूप आज खेल सामग्री युवा कल्याण विभाग के द्वारा वितरण की आज के समारोह में भक्तों में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के खेल और युवा विभाग के मंत्री सुरेंद्र तिवारी जी, उत्तर प्रदेश युवा परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर निरंजन कौशिक जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती दीपक वर्मा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, विभिन्न जनपदों में उपस्थित जिलाधिकारीगण और युवक मंगल और महिला मंगल दलों से जुड़े हुए सभी अध्यक्ष सभी पदाधिकारी और प्रतिभागीगण, मैं सबसे पहले विभाग को प्रदेश के युवाओं को एक रचनात्मक दृष्टि देने के लिए हृदय से बधाई देते हुए उन सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं जिन्हें आज खेल सामग्री उपलब्ध हो रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 67,000 से भी युवा मंगल दल और महिला दल हैं जिन्हें ये स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है और भी अन्य चीजें इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हमारी वो हमारा जो युवा है वह राष्ट्र शक्ति का प्रतीक है। एक युवक कल का नहीं आज का नागरिक है,
उसका दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है तो अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा के माध्यम से आज ही उज्जवल भविष्य की नींव भी रख लेगा, जो किसी भी समाज और अंततः राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इस दृष्टि से युवा कल्याण विभाग एक वर्ष में दो बड़े कार्यक्रम कर रहा है। याद करिए विगत वर्ष इसी वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में देश के 6000 से अधिक युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ था। अब तक का ये सबसे बड़ा युवा कुंभ था और आज हर जनपद में हमारे मंत्रियों जनप्रतिनिधियों के करकपड़ों से युवक मंगल दल और महिला दलों को वहां पर खेल की सामग्री उपलब्ध कराने का एक जो बृहद अभियान युवा कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, मैं इसके लिए सभी युवक मंगल दल और महिला दलों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए ऊर्जा सबके पास है, लेकिन ऊर्जा की दृष्टि क्या है ये व्यक्ति पे और समाज पे निर्भर करता है। अगर हमारी दिशा रचनात्मक है, सकारात्मक है, तो हम स्वयं के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी और अपने देश के लिए भी उपयोगी होंगे। अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हम स्वयं के लिए तो बोझा बनेंगे ही बनेंगे, समाज के लिए भी और अंततः देश के लिए भी बोझा बन जाएंगे। खेल सामग्री वितरण के पीछे का उद्देश्य भी यही है। आप सब जानते हैं प्रदेश सरकार ने इससे पहले एक व्यवस्था बनाई, हर ग्राम पंचायत में हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे, प्रयास प्रारंभ किया। बहुत सारे गांवों में लोगों ने रुचि लेकर के खेल के मैदान बनाए, ओपन जिम का निर्माण कराया। ओपन जिम के पीछे का उद्देश्य भी यही था, ये बच्चे जाएंगे पालतू समय में वह खेल के प्रति थोड़ी भी जागरूकता होगी, किसी को भी इसके साथ जुड़ने का एक अभ्यास होगा, धीरे धीरे करके प्रयास करके सब कुछ हो सकता है। उसी रचनात्मकता के साथ जोड़ने का एक कदम जो प्रारंभ किया गया आज उसी की एक नई श्रृंखला है युवा कल्याण विभाग स्पोर्ट्स के ये सभी के प्रदेश के युवक मंडल दलों को उपलब्ध करा रहा है। बहुत बड़ा कार्य, देखने के लिए एक वॉलीबॉल एक फुटबॉल होगा, लेकिन अपने युवाओं के बारे में एक सकारात्मक सोच, और सकारात्मक सोच इस बात का कि नहीं, इन युवाओं की ऊर्जा का उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इनके माध्यम से एक बड़ा कार्य करना है। और मुझे लगता है कि विभाग के मंत्री ने रुचि ली, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पुलिस में भर्ती होने के लिए राह खोल रही है, ये अच्छे युवा पुलिस की भर्ती में बहुत शामिल हो सके, इसके लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से एक नया रास्ता आपके लिए खोला जा रहा है। तो एक अच्छा कार्य है ये, और मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो 20 वर्षों से बंद पड़ी स्कीम थी, युवाओं के बारे में जो लोग सोच नहीं रखते थे, अपने साथ युवा जोड़ना पसंद करते थे, लेकिन युवाओं के साथ कोई अच्छा कार्य हो सके, युवा अच्छी दिशा में आगे बढ़ सके, ये सोच ही नहीं थी। और उसका दुष्परिणाम क्या होता था, एक बड़ी संख्या में युवा नशा की ओर जाता था। मुझे आश्चर्य होता है गांव में युवाओं की बड़ी संख्या, अगर ये हमारी ताकत नकारात्मक दिशा में जाएगी, नशा की तरफ जाएगी,
आपसी झगड़े फसाद में फंसेगी, छोटे छोटे विवादों को अनावश्यक मुंह देते हुए दिखाई देगी। गांव का भी, समाज का भी और राष्ट्र की भी अपनी क्षति है। इसे सकारात्मक दृष्टि देना। आप देखते होंगे खेल में टीम वर्क होता और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है। हमें चपता होगी तो हम खेल जीतेंगे, नहीं होगी तो अगली बार के लिए प्रयास करेंगे। सर आप तो भी आए थे, देखिए मैं थोड़ा सा देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये गोरखपुर जनपद में प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ आज हमारे यहाँ करीब 550 लगभग 550 युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित की गई है। और अपेक्षा ये है, आशा ये है कि खेल भावना, खेल से जो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जो युवकों के बीच में होती है, एवं युवक का जो ध्यान है वो नशा और ऐसी कुरूतियों और ख़राब चीज़ों से अच्छी चीज़ों की तरफ जाता है, वो एक मैसेज आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रदेश स्तर पर देने का प्रयास किया गया है। और उसी के क्रम में गोरखपुर जनपद में भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है और संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो समस्त चयनित युवक एवं महिला मंगल दलों को आगामी एक माह में माननीय जन प्रतिनिधियों के कर कमलों से इस सामग्री वितरित कराएंगे। धन्यवाद। पिपराइज ब्लॉक नैया पार खुर्द के हम रहने वाले हैं, युवक मंगल दल के अध्यक्ष निखिल कुमार पांडे। और उन्होंने यही कहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर हम जो युवा हैं, वो युवा मतलब खेल का सामान लेकर के कैसे उसे किस दिशा में यूज करना है उसके बारे में हमने उन्होंने हमें बताया। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जैसे गांव में देखा जा रहा है कि नशा के प्रति बच्चे ज़्यादा वो हो रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि नशे से हम युवा पीढ़ी को कैसे दूर रहना, उसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। किट वितरण किया गया जी जी, खेल का सामान हमें मिला है जिसमें युवाओं को जागरूक करके एकत्रित करके खेल का सामान हमें किस दिशा में सकारात्मक दिशा में चलना है उसके बारे में बताया गया। ज़्यादा युवाओं के लिए जोड़ने के लिए बताया जी, अधिक से अधिक युवाओं को उसमें जोड़ने के लिए बताया गया।